हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक ड्रिल। ये ड्रिल है मेरे पास, ये ड्रिल मशीन है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ इस ड्रिल में देखिए 6 mm का बिट लगा हुआ है। 6 mm मतलब इसका आउटर डाया है, तो 6 mm का बिट लगा हुआ है। तो इसको मैं इस बॉक्स में होल करके 6 mm का होल करके चेक करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास बोल्ट है, ये 6 mm का बोल्ट है, ये मेरे पास 8 mm का बोल्ट है। तो इसमें 6 है, ये मेरे पास 6 mm का बीट है और ये 8 mm का बीट है। ये आउटर डाया का मैं बात कर रहा हूँ, ये है 8 mm का। अब दोनों से होल करके फिर हम अपन चेक करेंगे कि 6 mm और 8 mm का बोल्ट उसके अंदर जाता है कि नहीं आता है। ये मेरा देखिए, ये मेरे पास ड्रिल मशीन है बॉस कंपनी का, ठीक है। इसको हम लोग पावर यहाँ से दे दिया, सॉकेट देखिए यहाँ से पावर दिया हुआ है। अब अपन इसमें होल करके चेक करते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइस, हम एक होल 6 mm का और एक 8 mm का होल आप करेंगे इस बॉक्स में। ये हमारे पास शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई के देखिए ये लिए हुए मेजरमेंट टेप और हम 8 cm पर एक मार्किंग करके इसका होल करेंगे। तो देखिए हमारे शाहिद भाई मार्क कर रहे हैं, ये हमारा 8 cm पे एक मार्क हो गया और ये इसमें हमारा ये 6 mm का इसमें होल होगा और एक इधर से हम लोग को 7 cm पे करना, उसमें 8 mm का हम लोग होल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए गाइस, ये 7 cm पे इसमें करना हम लोग को 8 mm का होल। अभी हमारे पास ड्रिल में लगा हुआ है 6 mm का बीट, अब हम 6 mm का इसमें ड्रिल का होल करेंगे। अपन देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पॉइंट को टच करा के और सीधा रखना है हम लोग को, अपना ड्रिल मशीन जो है ना सीधा रखना है। फिर देखिए, गाइस ये हो गया हमारा 6 mm का होल। इसको अपन चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास है क्या 6 mm का बोल्ट और इसको चेक करते देखिए, ये जा रहा आ रहा, देखिए ये हमारा हो गया 6 mm का होल। अब अपन चेक करते हैं, ये आउटर डाया का ही बात हो रहा है फ्रेंड्स। अब हमारा 8 mm का करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हमको ये ड्रिल बिट चेंज करना होगा और ये हमारा 8 mm का है। देखिएगा गौर से अपन देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ भी है 8 mm लिखा हुआ है यहाँ पे हाँ 8 है, 8.0 देख रहे हैं ना, M2 8.0 8 mm का बिट है। इसको अपन फिक्स करते हैं और इसको टाइट कर रहे हैं अपन। अब ये इसका चाबी है, चाबी से और टाइट कर देंगे, इसको की है इसको टाइट करने के लिए, इसके माउथ को टाइट करने के लिए ये की से हम लोग टाइट कर दिए। अब गाइस फिर हम लोग अभी यहाँ पे 8 mm का होल करेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट पे रखा और ये देखिए गाइस, जैसे हमारा 8 mm का होल हो गया। और अपन चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास 8 mm का बोल्ट है, चेक करते हैं अपन, ये देखिए ये होल हो गया हमारा 8 mm का। गाइस ऐसे ही हम लोग ड्रिल का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये मशीन, ये ड्रिल मशीन हमारी बॉस कंपनी की है और इसका मॉडल है GSB 1300। ओके फ्रेंड्स, और इसका हम लोग कुछ पार्ट्स के देख लेते हैं। इसके इनसाइड में आर्मेचर है और कम्यूटेटर भी लगा रहता है, कार्बन ब्रश है और इसके ऊपर में देखिए ये मेन हैंडल है हमारा, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये मेरा रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए है स्विच, सिलेक्टर स्विच है, रिवर्स या फॉरवर्ड में हम लोग जैसे रोटेट करना है इसके यूज से हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा ऑक्सिलरी हैंडल दिया हुआ है, जैसे हम लोग को यूज करना है इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं ढीला कर रखा हूँ इसलिए ये रोटेट हो रहा है। फिर ये हमारा, उसके बाद हम अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा चक है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग को ड्रिल बिट चेंज करना है तो इसको लूज करके हम लोग ड्रिल बिट चेंज करते हैं और फिर इसको टाइट करना है, टाइट करके अच्छे से टाइट करके ही यूज करना है। और ये हमारा, अभी मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, अभी इससे ऑन ऑफ अपन करते हैं। देखिए अभी क्या है, ये फॉरवर्ड में ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स में रोटेट करना चाहता हूँ तो इसको प्रेस कर दिया, देखिए इसको प्रेस किया फ्रेंड्स। अब मैं देखिए ऑन करूंगा तो स्विच ऑन करूंगा, ये मेरा फ्रेंड्स रिवर्स में रोटेट हो रहा है। अब मुझे इसको कंटिन्यूअस ऑन रखना है फ्रेंड्स, अगर हमको इसको कंटिन्यूअस ऑन रखना है उसके लिए
इस ये वाले स्विच को प्रेस करके और ये साथ में प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा। या अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए तो कंटिन्यूस ऑन है, ऑफ तो फ्रेंड्स यहाँ ये वाले स्विच को अगर हम प्रेस करके उसके साथ ये प्रेस कर दे तो ये हमारा कंटिन्यूअस मशीन ऑन रहेगा। ऑफ फिर ऑफ करने के लिए इसको हम लोग फिर प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स मशीन को यूज करने से पहले हम पीपीज का कुछ ख्याल रखेंगे, जैसे हम गॉगल्स पहन कर ही ये मशीन को यूज करेंगे। गॉगल्स हमारे पास रहेगा तो अगर कोई पार्टिकल्स उड़ता है यहाँ से निकलता है तो हमारे आँख को डैमेज नहीं करेगा, तो उसके लिए गॉगल्स जरूरी है। और दूसरा बात, हम टूल्स को प्रॉपर इसको इंस्पेक्ट करेंगे, कहीं से इसका बिट टूटा हुआ तो नहीं है, चाहे कुछ कटा फटा तो नहीं है। और इसके केबल को भी चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हाँ ये केबल सही होना चाहिए, कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, हम लोग ये भी चेक करेंगे कि ये टूल्स के साथ हम RCD का यूज़ करेंगे कि वो हमको क्या करेगा, शॉक से हमको सेव करेगा, तो RCD का यूज़ भी करेंगे हम टूल्स के साथ फ्रेंड्स। और जहाँ पे हम अपन काम करेंगे, इस ड्रिल का यूज़ करेंगे, वहाँ के एरिया को भी देख चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। और दूसरा कि अगर कोई एक्सप्लोसिव एरिया है, जैसे आग लगने का डर है, खतरा है, तो ऐसे में हम लोग पावर टूल्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा फायर पार्टिकल निकलेगा और आग लग सकता है, तो इस वहाँ पर हम लोग मशीन को यूज़ नहीं करेंगे। और हमेशा याद रखिए कि हैंडल ये सब चेक करेंगे, ये कोई इसमें आयल या ग्रीस जैसा कुछ तो नहीं है जिससे हम हमारे हाथ से ये स्लिप हो जाए, तो ये सब भी अपन चेक करेंगे। और यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स हमेशा इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। हम लोग यूज़ कर लिया, अपना जो काम करना था काम कर लिया, उसके बाद हम पावर को डिसकनेक्ट कर देंगे।